सर नवकर कॉर्पोरेशन मैं अवॉइड करूंगा पर्टिकुलरली, मतलब वैल्यूएशन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन लॉजिस्टिक्स में बढ़िया बढ़िया कंपनीज है और 800-900 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी लेके इस मार्केट में मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा कंचन। देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी करेक्शन आता है ना मार्केट में ओवरऑल, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट हाईस पे है समझ लो, 18,000 के लेवल वापस देख रहे हैं और 19,000 की बातें कर रहे हैं, तो इस लेवल पे कोई भी अगर नेगेटिविटी आती है वो चाहे फेड के रूप में हो या वो कुछ भी हो, मतलब नेगेटिविटी आपको मालूम है न्यूज कहीं से भी आ सकती है, तो आता है, तो ऐसे स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरते हैं। तो इसके लिए मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। वैल्यूएशन वाइज मैं वापस बोल रहा हूँ कि सस्ता ही लग रहा है, लेकिन छोटी कंपनी है इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि आप इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूँ वैल्यूएशन सस्ता लग रहा है, क्योंकि 56 इमीडिएटली टारगेट दिखा रहा है, तो 56 पे आए तो, और रिसेंट लो है आपका करीबन 53 के नीचे सेटल होता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, तब तक आप इसको रैली करो। और ऑन चार्ट तो आपका चार्ट क्लियरली बोल रहा है कि फंडामेंटल अच्छा होने के बावजूद भी चार्ट अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अवॉइड करना चाहिए ऐसे काउंटर। जी, तो ये थी राय नवकर कॉर्पोरेशन पर।